किसान भाई, खीरा के खेती में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका झाकी लगाना, अर्थात मचान लगाना, और ये एक जटिल काम होता है। आप ड्रिप लगाना, आप मल्चिंग लगाना, मेड बनाना, ये सब काम तो समझ गए हैं कैसे करना रहता है, ईजी भी होता है, हो जाता है, लेकिन जो मचान का काम है थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा लंबा समय आता है। इसमें लगभग 1 एकड़ में करते हैं 4-5 मजदूर लगे तो कम से कम 5-6 दिन तक लग जाता है। सबसे बड़ा सावधानी होता है इसमें जो खूंटा होता है, देखिए जो हम लगाते हैं खूंटा, ये खूंटा गाड़ना सबसे बड़ा मतलब सावधानी वाला काम होता है, क्योंकि इसमें जो लेटरल लगे रहता है, अगर खूंटा को सावधानी से ना गाड़ा जाए तो लेटरल में अगर कहीं गड़ जाए, वो ऊपर नुकीला रहता है नीचे में, तो लेटरल छिदा जाता है, छिदा होता है तो ज़्यादा पानी निकलेगा, खाद और सब उसी से निकलेगा, पूरा खेत आपका गीला हो जाएगा और आगे सप्लाई होगा। इसीलिए आपको ध्यान जो टेक्निकल टाइप के मजदूर जो पहले से काम को किए हैं उनसे करवाना है, ताकि सीधा जाए और लेटरल ना कटे। खूंटा गाड़ने के बाद आता है हमारा केंट लगाना, जो कि केंट होता है, ये केंट केंट लग जाता है। केंट लगने में फिर क्या होता है, आपका उसमें बीच में से प्लास्टिक रस्सी लगाते हैं और फिर धागा लगाते हैं। तो धागा आप 3 प्रकार से लगाते हैं, एक तो सिंगल स्टोरी जो नीचे से सीधा डायरेक्ट ऊपर, दूसरा डबल स्टोरी जो आपका, मैं उसी के बारे में आज वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, डबल स्टोरी कैसे लगाना है और फायदा किसका अच्छा है, सिंगल स्टोरी का, डबल स्टोरी का, तो ट्रिपल स्टोरी का। 3 प्रकार, एक तो सिंगल रहता है, एक डबल रहता है, एक ट्रिपल रहता है, 3 प्रकार से धागा लगेगा, मतलब 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। तो ये 2 मंजिल वाला धागा सिस्टम मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, इसका फायदा क्या है। नंगी साइड दिखाई, ये अभी काम चल रहा है। तो ऊपर में हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये एक लग चुका है, चाहे आप ऊपर में लगाइए पहले या तो नीचे में लगाइए, ठीक। तो ऊपर में लग चुका है, अब नीचे लग रहा है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एक बार अगर खीरा लगाए तो दोबारा अगर इसी पौधा आप क्या कीजिएगा, जैसे मैं अगला वीडियो में दिखाया था, पिछले वीडियो में दिखाया था कि पौधा को आप ग्लाइफोसेट और पैराकोट डाल के पूरा खीरा को मार दीजिए, घास को मार दीजिए और फिर से उसी क्षेत्र में बीज लगा दीजिए। मतलब एक ही प्लॉट में एक ही मल्चिंग में आप दोबारा उसमें खेती कर सकते हैं। मचान लगाने का, मल्चिंग लगाने का, लेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बेसल लगाने की जरूरत नहीं है, उसी में खेती हो जाएगा। उसमें का अगर ऐसा रहता तो काफ़ी मजबूत रहता है। ये तो सबसे बेस्ट मतलब मोलना चाहिए, सबसे मेन बेनिफिट है। दूसरा में आता क्या है कि जब पौधा आपका निकलेगा, देखिए पौधा ये यहाँ से चढ़ेगा, इसको झाकी को पौधा को चढ़ाना पड़ता है, यहाँ तक हम अगर चढ़ा देते हैं तो यहाँ एक वो बेस बना देता है। बेस बनाने का फिर क्या होता है, तब फिर से फिर ऊपर चढ़ता है, तो पौधा का ग्रोथ ज़्यादा होता है, पौधा ऊपर जाता है। खीरा पौधा जितना ऊपर जाएगा उसका फलन भी ज़्यादा होगा। और सिंगल में रहने से डायरेक्ट अगर सिंगल रहता है क्या होता है कि कुछ दूर चढ़ा अगर पकड़ नहीं बना पाया तो फिर सपाट से सब नीचे जाता है। जैसे ही खीरा फलना शुरू होगा, 1-2 किलो वजन हो जाता है पूरा पौधा, या तो बारिश का दिन है, बारिश अगर गिरेगा पौधा गीला होगा, वजन होगा, सीधा नीचे आ जाता है। इसीलिए अगर डबल रहता है तो एक पकड़ वो बनाएगा, हम यहाँ लपेट देंगे फिर ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से अगर गिरता भी है तो यहाँ आके फंस जाएगा, मतलब यहाँ तक तो जरूर रहेगा, तो फलन इसमें अच्छा होगा, उत्पादन ज़्यादा होता है, जितना ऊपर जाएगा उत्पादन भी ज़्यादा होगा। ये इसका बेनिफिट है। इसमें आपका खर्चा ये होता है कि मान लीजिए जहाँ मजदूर आपका 1 मजदूर लग रहा है वहाँ पर 2 मजदूर लगेगा, सीधा मजदूर डबल संख्या लगता है, बाकी धागा लगभग समान पे उतना ही धागा लगता है, 2-4 बड़ा धागा ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप लंबे दिन के लिए खेती करते ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो मैं तो सलाह दूंगा कि डबल स्टोरी कीजिए, क्योंकि मैं सिंगल करके देखा हूँ, उसमें नुकसान है, पौधा पूरा ऊपर से गिर के नीचे आता है, जो कि आपका उत्पादन को कम कर देता है, उत्पादन ना के बराबर ही होता है, क्योंकि नीचे बरसात के दिन में अगर खीरा पौधा आ गया तो उत्पादन नहीं होगा। इस प्रकार से आप डबल स्टोरी करके ही कर सकते हैं। ट्रिपल में ज़्यादा मेहनत होता है, हमारे खीरा खेती के लिए उतना आवश्यक नहीं है, करेला अगर चलता है, लेकिन खीरा में आप डबल मंजिल तरह से धागा लगा के आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल